Good morning to all of you. As you know, you are watching Education with Fun channel, and today we will discuss class 10 English. The name of book is First Flight. So the first chapter A Letter to God. So today we will discuss only the summary of the story, the letter to God. So let us begin without wasting any time. So summary of the story. तो पहला क्या लिखा जाता है, फर्स्ट वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, हु हैड रिटन दिस स्टोरी एंड व्हाट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी. सो लेट अस सी, दिस स्टोरी इज रिटन बाय जीएल फ्यूंटेस. इट इज अ स्टोरी अबाउट अ फार्मर नेम्ड लिंचो हु हैज लॉस्ट हिज क्रॉप्स बिकॉज ऑफ द हेलस्टॉर्म बट स्टिल हैज फर्म फेथ इन द काइंडनेस ऑफ द अलमाइटी. ये इनके द्वारा लिखा गया है. ये स्टोरी एक फार्मर का है जिसका नाम है लिंचो, जो अपना क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, खो देता है हेलस्टॉर्म के कारण, पर तब भी उसके मन में गॉड के प्रति बहुत ही विश्वास रखता है. जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा, उन्हें उसे लिंचो ने लेटर लिखा था गॉड से 700 pesos मांगने के लिए. सो ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा समरी का. देन सेकंड पैराग्राफ वी विल डिस्कस अबाउट द लिंचो. सो लिंचो वाज अ पुअर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर. ही लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ हाउस सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द लो हिल. इट वाज द ओनली हाउस इन द होल वैली. ही वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड क्रॉप एज द क्रॉप्स ओनली नीडेड रेन्स. ही वाज होपिंग फॉर गुड रेन. ही कंपेयर्ड द rain drops with new coins as the new coins were the money he would get by selling his crops. Suddenly a strong wind started to blow and large hailstorm began to fall along with the rain. He was filled with grief and despair. He was expecting a light shower for his crops, but when it changed into hail, it destroyed his crops completely. लिंचो सोच रहा था कि थोड़ा सा बरसात होती, थोड़ा सा पानी आता, लाइट शावर फॉर हिज क्रॉप, इट इज पॉसिबल. ये चाह रहा था कि थोड़ा सा पानी हो, लेकिन रेन के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी आ गया जो उसके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर डाला. बाकी मैंने इंग्लिश बहुत ही इजी लिखा है, आप लोग समझ रहे होंगे अगर चैप्टर पढ़ लिए है तो. नाउ दिस पैराग्राफ इज ओवर. नाउ थर्ड पैराग्राफ मीन्स समरी को चार पैराग्राफ में मैंने लिखा, बात सिंपल है. नाउ ये लिंचो का गॉड के प्रति विश्वास, श्रद्धा, ये सब. लिंचो वाज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ गॉड. ही हैड फेथ इन गॉड. ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड. जैसा कि आप लोगों को पता है, उसने लेटर स्टार्ट किया गॉड को लिखना. इन हिज लेटर ही रिक्वेस्टेड फॉर 100 pesos टू बी सेंट सो डैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप केम. He addressed it to God and went to post office to mail it. The postmaster read the letter. He decided to help Lencho. He asked his employees to contribute a part of their salary at charity. He collected 20 pesos. जैसा कि पता है, postmaster ने जब letter पढ़ा तो वो एक तरह से postmaster अच्छा था, मतलब कि help किया कि इसके प्रति, गॉड के प्रति इसका विश्वास कम नहीं होना चाहिए. तो ये चैरिटी के लोग ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि तुम लोग अपने सैलरी से कुछ पैसे दो इसके लिए. तो 100 नहीं कर पाया, लेकिन 70 pesos कर लिया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लिंचो एंड साइन इट एज गॉड. एंड एट लास्ट क्या होता है, जैसा आप लोग जानते हैं, एट लास्ट व्हेन लिंचो रिसीव्ड द लेटर, इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल, थैंक यू कहने के बजाय He became angry as he only received 70 pesos. So he wrote another letter to God. तो फिर उसने एक और लेटर गॉड को लिखा. क्या लिखा? He had written that he had requested for 100 pesos but received only 70 pesos. So he asked God to send him the rest of the amount. उसने लिखा कि गॉड को लिखा कि मेरे को बाकी का अमाउंट भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, मेरे को सीट लेना है और हार्वेस्ट करना अपने फील्ड में फिर से. बट और उसने ये भी लिख दिया, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. मुझे मेल के द्वारा मत भेजिए, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजिएगा. व्हाई? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स. सो कहा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स. सो द
summary of the letter to God is completed. And once again, I understood that the story is written by G.L. Fuentes. So like this video and subscribe this channel if you are new viewer, and have a nice day.